क्या अभी नींबू और मिर्ची ढूंढ के आप कहाँ जाने की बात कर रहे हो? बाहर पापा, बाहर। आपको पता है ना, अपने कंट्री में लॉकडाउन चल रहा है और अब बाहर जाने की बात कर रहे हो। हमारे एरिया में तो कर्फ्यू भी है, तो आप इसे बाहर जाने का कैसे सोच सकते हो? आप बाहर मत जाओ, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, आप बैठो। तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी आफत आ गई है? पापा, आपको बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, अब बैठो। फिर बेटा, अभी आ जाऊंगा, तू टेंशन मत ले, चिल। पापा, आप बाहर नहीं जाओगे, इट्स फाइनल, आप बैठो चुपचाप वहां पे। अब तू अपने पापा को सिखाएगा कि मेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है। अब तू मेरे को सिखाएगा, तू बड़ों को सिखाएगा, मतलब तू बड़ा और हम छोटे, हाँ ऐसा? नहीं पापा, वो देखो हमारे न्यूज़ चैनल में और न्यूज़ में सब कुछ दिखा रहे हैं ना कि आप लोगों को स्ट्रिक्टली घर पे रहना है, आपको सेफ रहना है, तो फिर आपको बाहर जाके क्यों अपने आप को अनसेफ करना है, या फिर को अपने फैमिली को भी अनसेफ करना है? आप बैठो ना सेफली, प्लीज मानिए इस बात को। अरे वो अपने शर्मा जी है ना, उनको हमारा वो व्हाट्सएप का ग्रुप है ना, तो उस पे मैसेज आया कि अब अपने वो पाउडर वगैरह, नींबू, वो 3 नींबू लेने का, और फिर जो उसका पाउडर लगा कि उसे दवाई बनाने की है। फिर दवा आपको अपने आजू बाजू के वो भी आस पड़ोस के जो भी लोग हैं ना, उनको दवाई के थोड़ा थोड़ा पाउडर लेने का, और फिर उनको बोलने का कि अपने अपने घर पे थोड़ा थोड़ा डाल दो, तो ये कोरोना या कैसे भी बीमारी होगी ना, उसका कोई खतरा नहीं। अभी वो हमारे गुप्ता जी है ना, वो मैं थर्ड ब्लॉक पे रहते हैं, उन्होंने यही किया और उनके घर में आज सब सेफ है, सब खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनका। बोलो, अब मैं अपने घर के लिए इतना भी नहीं कर सकता? अच्छा, तू ही बड़ा है क्या? कुछ भी पापा, अब कुछ भी फेक मैसेज पर विश्वास मत करो, ये सब फेक न्यूज है, ये सब मेरे फोन पे भी आते रहते हैं, लेकिन अब इसे इस पर विश्वास मत करो, प्लीज प्लीज आप विश्वास मत करो इस पे। क्या कुछ भी, क्या कुछ भी, गुप्ता जी है ना, उनके घर पे अभी सब कुशल मंगल है, सब सेफ है, किसी को कोई बीमारी नहीं है। उन्होंने ये सब किया ना, देख आज उनके कितना फायदा हो रहा है, उनका बेटा कितना बड़ा इंजीनियर बन गया, देख तू देख अपने आप को देख। पापा, ऐसा कुछ नहीं होता, आप प्लीज सेफली घर पे बैठिए, ऐसे कोई भी ऐसे कोई सेफ नहीं हो जाता, प्लीज। क्या कुछ नहीं होता है, मेरे को जाने दे। हाँ बाबा, अब वही रुकिए और मेरी बात सुनिए प्लीज। बोल। देखिए पापा, ट्रस्ट मी, ऐसा कुछ नहीं होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सब मैसेजेस और जो भी ऐसे कोई भी फोटोज या फिर कोई भी रेशियो ग्राफ कुछ भी आप लोगों को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करे, तो आप उस पर पूरा पूरा विश्वास मत करो, ये सब कुछ भी सेफ नहीं होता है। आपको पता है, अगर कुछ भी गवर्नमेंट कोई भी डिसीजन लेती है, कुछ भी करती है, तो वो न्यूज पे आ जाता है, वो ऑफिशियल न्यूज पे आ जाता है, वो अफवाह नहीं होती। लेकिन ये जब मैसेजेस व्हाट्सएप ये सब पे फॉरवर्ड होती है, ऐसे ऐसे ही कुछ भी फॉरवर्ड कर देते हैं लोग, ऐसे अपना फोन उठाया, कुछ भी टाइप किया, फॉरवर्ड कर दिया, ऐसे कुछ भी, ऐसे सच नहीं मानने का। ऐसे वैसे ऐसे ऐसे मैसेज आते रहते हैं, बट इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सब मैसेजेस सच्चे होते हैं। आप मेरी बात समझिए, ऐसे ऐसे कोई भी मैसेज भेज दे कि अगर कल ऐसे मैसेज आ गया कि नमक लगा दो, ऐसे आंख में नमक छिड़क दो, कोरोना चला जाएगा, तो आपके अपने आंख में नमक छिड़कोगे? नहीं ना। तो ऐसे ही कुछ भी गलत सलत मैसेज पे आप विश्वास मत करिए प्लीज। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आपका बेटा होकर मैं हाथ जोड़ता हूँ, ऐसे कुछ भी मैसेजेस पर विश्वास मत कीजिए। तो पता है, ये सब मैसेज फॉरवर्ड करने पर या फिर ऐसे गलत गलत मैसेज ऐसे जब आप फॉरवर्ड करते हो, वो गवर्नमेंट पढ़ती है, को पता है, वो सब पढ़ते हैं, उनके सब उनके पास सब जो नोट होता है, सबका नोट होता है। अब तो व्हाट्सएप पे आप कोई भी फॉरवर्ड करते हो ना, वो अपनी गवर्नमेंट पढ़ती है, क्यों? क्योंकि उनको ये अफवाह रोकनी है, वो सब सेफ, उनको उनको भी ये सब पूरा देश सेफ चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इतनी इतनी बड़ी बीमारी का आप ऐसे गलत फायदा उठा के ये सब फॉरवर्ड करके आप लोग एंटरटेनमेंट के लिए ये सब करो, ये सब अच्छी चीज नहीं होती है। ऐसे गुप्ता जी, शर्मा जी, कोई भी आपको कुछ भी भेज दे, तो ये सच्ची बात नहीं होती। आप समझिए इस बात को, न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं कि आपको घर पे सेफ रहना है, इसका मतलब आपको सेफ रहना है, आप ऐसे बाहर नहीं निकल सकते, आप ऐसे कहीं भी किसी के भी घर पे नहीं जा सकते,
क्योंकि आप बाहर जाओगे तो आप अनसेफ होगे, और अगर आप घर से किसी और के घर पे गए तो आप उन्हें भी अनसेफ कर रहे हो, और अगर इस सब के बाद अगर आप अपने घर पे आते हो ना तो वो भी आप किसी को अनसेफ ही कर रहे हो। तो मैं आपका हाथ जोड़ता हूँ, ये चीज मत कीजिए, एटलीस्ट अपने परिवार के लिए तो बिल्कुल मत कीजिए, प्लीज प्लीज। पर बेटा मैं तो सब लोग हमारे परिवार में सब सेफ रहे ना, इसीलिए मैं ये कर रहा हूँ, ऐसा मेरा कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, तू समझ ये बात। अगर सेफ रहना है तो अपने घर पे रह के सेफ रहिए ना, कौन बोल रहा है आपको बाहर जाके सबको सेफ करना है, आपको अपने घर पे आइसोलेट रह के सेफ रहना है, आपको किसी की भी चिंता करनी नहीं है, वो अपनी चिंता कर लेंगे, आपको अपने घर पे रहना है, अपने परिवार और अपने आस पड़ोस का ध्यान ऐसे रखना है कि आप उनसे दूरी भी बनाए रखो, सोशल डिस्टेंसिंग आपको पता है ना, तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन करनी है और आपको सेफ भी रहना है। लेकिन ये सब तब होगा जब आप घर पे अकेले रहोगे, लाइक नॉट अकेले लेकिन आप घर पे रहोगे, ताकि आप बाहर ना जाओ, किसी को इन्फेक्ट मत करो, आप खुद भी इन्फेक्ट हो सकते हो, आपको पता है ये चीज। अगर आप बाहर जाओगे तो क्या होगा, अगर आपके फ्रेंड्स में से किसी एक को ये हो गया और आप उनसे मिले और अगर आपने उनको टच जरा से भी कुछ भी टच हो गया तो वो आपको भी होगा, और आप वो इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इन्फेक्टेड हो गए तो। और उनका भी सोचिए कि जो इन्फेक्टेड ऑलरेडी है, आपको नहीं पता उन पे क्या बीत रही है अभी, और आप ऐसी कुछ भी मैसेजेस एक भी दूसरे के भेज कर, पता है आप उनका मजाक नहीं उड़ा रहे, आप खुद का मजाक उड़ा रहे हो, क्योंकि यही कुछ बेवकूफ लोग होते हैं जो आपको ऐसे मैसेजेस भेजते हैं और आप उनसे भी बड़े बेवकूफ। हाँ बेवकूफ, यही वर्ड, आप उनसे भी बड़े हो जो ये सब फॉरवर्ड करते हो लोगों को, और आप ये सब पूरी इतनी बड़ी प्रॉब्लम का आप लोगों ने एक एंटरटेनमेंट का जरिया बना दिया। आई कैन बिलीव व्हाट यू हैव डन। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप प्लीज घर पे रहो प्लीज, और आप ऐसे कोई भी मैसेजेस पे विश्वास मत करिए, और अपने रूम में जाइए प्लीज। हाँ भाभी जी, क्या आप अभी हॉस्पिटल में हो? तो क्या वो गुप्ता जी का रिपोर्ट पॉजिटिव आया? रे रे, चलो कोई बात नहीं, हाँ वो थोड़ी महंगी हॉस्पिटल है, तो कोई बात नहीं, मैं पैसे का इंतजाम करता हूँ, अब जैसा भी कुछ भी होगा मैं आपको फोन करता हूँ, आप चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। हाँ हाँ हाँ, मैं आता हूँ अभी। देखा, ये थी मेरे घर की कहानी, जो सेफ होने के लिए यहाँ से वहां घूम रहा था, आज वही अपने हॉस्पिटल के बेड पे अनसेफ इन्फेक्टेड है। मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, मुझे पता है उनकी कंडीशंस, जो अभी एक हॉस्पिटल में आइसोलेट हो चुके हैं, उनकी कितनी बुरी कंडीशन, बिकॉज उन्हें ये भी नहीं पता कि वो लोग जिंदा रहने भी वाले हैं क्या। ये मैं कह रहा हूँ, मजाक मत उड़ा रही, कोई भी बीमारी मजाक नहीं होती, गवर्नमेंट का कोई भी डिसीजन मीम बनने का जरिया नहीं होता। अगर गवर्नमेंट ने हमें टिकटॉक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया का जो भी प्लेटफॉर्म सबको दिए हैं, तो वो पॉजिटिविटी फैलाने के लिए दिए हैं, आपको एक सेफ एटमोसफियर देने के लिए दिए हैं। सो प्लीज स्टे एट होम, और ये घर पे बैठे अगर आप टायर्ड हो चुके हो तो कुछ और करो, कुछ क्रिएटिव करने के लिए बहुत कुछ है इस दुनिया में, बट डोंट डू दिस मैसेजिंग एंड कुछ भी अनअप न्यूज, ऐसे कुछ भी फॉरवर्ड मत कीजिए प्लीज, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ प्लीज। सो दिस वॉज इट, दिस वॉज अ वीडियो, बिकॉज यू नो दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ व्लॉग, ये कुछ व्लॉग नहीं है, लेकिन दिस वॉज नेसेसरी बिकॉज अभी ऐसे टाइम पे मैसेजेस एंड मीम जिस बहुत फॉरवर्ड हो रहे हैं, बहुत सारी फेक न्यूज फॉरवर्ड हो रही है, तो इस सब को रोकना बहुत नेसेसरी था, तो इसीलिए मैंने वीडियो बनाया था। आई होप यू लाइक इट। तो यस, द मेन लाइन की सब्सक्राइब माई चैनल, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक बटन नीचे वहाँ पे ही है तो लाइक भी कर दो, और एक्टिंग कैसी थी उसका रिव्यू भी दे ही दो, बिकॉज
ऑब्वियसली। और हाँ, अगर आपको ऐसे कुछ वीडियोस और चाहिए तो प्लीज आप मुझे मैसेज डीएम कर सकते हो, ईमेल कर सकते हो, व्हाटएवर यू वांट। तो आई होप दिस इज फाइन। तो मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में अगले संडे। तो तब तक बाय बाय।